Let's do question number 7th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 7th is, how many 3-digit natural numbers are divisible by 9? कितने 3-digit numbers हैं जो कि 9 से divisible हैं? अगर आपने 9 की divisibility पढ़ी हो तो हमें पता है तीनों number का sum 9 आना चाहिए. तो पहला number अगर 100 है 3-digit number, तो 9 कब आएगा? 108 9 से divisible होगा, least number, क्योंकि इसका sum 9 आ रहा है, right? अब आगे 9 add करते चले जाएंगे, तो ये आ गया 117, इससे next कौन सा आ गया, अगर इसमें 9 add कर देंगे, 126, and so on, और last number कौन सा होगा, obviously 999 होगा, जो कि 9 से divisible होगा, right? अब इसमें निकालना है, कितनी terms हैं इसके अंदर, तो हमें ये नहीं पता, let the number of terms in above AP BN N है, तो nth term का formula क्या होता था, that is A plus N minus 1 into D होता था. अब nth term क्या हो गई, last वाली term, that is 999 equals to A क्या हो गया, first वाली term, that is 108 प्लस n हमें पता नहीं है, निकालना है, और d क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज d हमने निकाला 117 में से 108 माइनस हो गया, दैट इज 9, तो 9 हमारा हो गया d. अब देखिए 108 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 999 में से हमने माइनस कर दिया, 108 इक्वल्स टू 9 इनटू n माइनस 1, तो 9 में से 8 गया इज 1, 9 में से 1 गया इज 8 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया, तो ये आ गया 9 n माइनस 9. अब 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 891 में प्लस किया 9, तो ये आ गया 9 n. अब ऐड करेंगे तो ये आ गया 9 plus 1 इज 10, कैरी 1, 10 कैरी 1, 9 इक्वल्स टू 9 n, तो n कितना आ गया, 900 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 100. तो इसका मतलब इस AP में ऐसे नंबर जो 3-digit नंबर हैं और 9 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, 100 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8th. क्वेश्चन नंबर 8th इज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ द AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m. अगर पहली m टर्म्स का सम हमारा 2m स्क्वायर प्लस 3m है, देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो उसकी सेकंड टर्म क्या होगी, तो हम लिख लेते हैं, हमारा सम ऑफ m टर्म्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m दे रखा है, और हमें m दे रखा है, और हमें टर्म सेकंड निकालनी है कि कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहले यहां से, हमें सम ऑफ m टर्म्स दे रखा है, तो हम यहां से टर्म m निकाल लेंगे. कैसे निकालते हैं, अगर आपने मेरी 5c एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें हम सम ऑफ m टर्म्स माइनस करते थे सम ऑफ m माइनस 1, मतलब m टर्म्स तक सम, मान लीजिए 10 टर्म्स है, a से लेके d तक की 10 टर्म्स है, राइट, तो D से पहले वाली अगर C है, तो अगर मैं यहाँ A से लेके D तक की ऐड करके टर्म्स, A तक की से C तक की टर्म्स जो ऐड की, A से D तक की ऐड कर ली और A से C तक की ऐड कर ली टर्म्स, अब इन दोनों के को माइनस कर दूंगी, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सी टर्म थी, ये पता चल जाएगा, क्योंकि इन सब के सम में से मैंने C तक का सम माइनस कर दिया, तो हमारी ये वाली D वाली टर्म आ गई, राइट. तो अब m माइनस 1 टर्म कैसे करेंगे, तो m माइनस 1 टर्म के लिए हमें सिर्फ m की जगह m माइनस 1 लिखना है. क्यों लिखना है, देखिए यहां सम ऑफ m टर्म्स था तो m आया यहां पे, तो अगर मैं सम ऑफ m माइनस 1 टर्म कर दूंगी तो m की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस 1 आ जाएगा, 3m माइनस 1 आ गया. अब इसको ओपन कर देंगे तो ये कितना आ गया, देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बताने की जरूरत नहीं है क्लास 10th में कि ये ओपन करके यही आएगा, राइट, प्लस 3m
माइनस थ्री, अब ब्रैकेट फिर से ओपन कर देंगे तो ये आ गया 2m² + 2 माइनस 4m + 3m - 3। अब एम स्क्वायर की और कोई डिजिट नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। अब m की 4m भी और 3m ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया। इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू 2 भी है माइनस 3 भी है तो सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया। अब m टर्म कितनी आ गई, m टर्म आ जाएगी सम ऑफ mth टर्म माइनस सम ऑफ m माइनस 1th टर्म। तो सम ऑफ mth टर्म क्या थी, ये देखिए ये दे रखी, और सम ऑफ m माइनस 1th टर्म ये वाली है। तो हमने लिख लिया 2m² + 3m - 2m² - m - 1, ब्रैकेट ओपन किए तो ये आ गया +3m, साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का 2m² प्लस का m प्लस का 1। अब देखिए 2m² 2m² कैंसिल हो गए क्योंकि दो, एक प्लस का था एक माइनस का था। अब 3m और m दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए तो ये आ गया 4m + 1। अब हमें टर्म 2 निकालनी है। अब हमारी mth टर्म तो ये आ गई, ये आ गई mth टर्म, और टर्म 2 कैसे निकालेंगे, देखिए टर्म 2 कैसे निकालेंगे, अगर आप देखेंगे m यहाँ है तो यहाँ पे भी है, इसी तरीके से यहाँ 2 है तो m की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 + 1, तो ये क्या इतना आ गया 4 2 8 + 1 = 9। तो टर्म 2 कितनी है हमारी, 9 इज द आंसर।